हेलो एवरीवन, हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं, पेरिमीटर एंड एरिया। ओके, फर्स्ट पेरिमीटर का मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे। कोई भी फिगर हो, एक क्लोज फिगर जिसका हमें पेरिमीटर फाइंड करना है। पेरिमीटर मतलब ये जो बाउंड्री होती है, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये बाउंड्री का लेंथ, टोटल लेंथ कितना है, वही पेरिमीटर कहलाता है। कोई भी फिगर हो, देखिए ये फिगर हो या इस फिगर की बात करें, स्क्वायर जैसे फिगर की बात करें, तो इसका जो जो बाउंड्री होती है उसका एडिशन ही क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की हम जब बात करते हैं, तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है एंड ये ब्रेथ है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, मीन्स अगर हम देखें इन सबको, तो टू लेंथ है यहां पर और टू ब्रेथ है। ओके, अब देखिए कॉमन निकाल लेते हैं हम टू को, और ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ, तो यही फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करें, तो इसकी चार साइड्स होती हैं और चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम कह सकते हैं साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। फोर साइड है तो फोर इंटू साइड, इसका फार्मूला बनता है फोर इंटू साइड का। देखिए अब हम एरिया की बात करते हैं। एरिया जो इस क्लोज फिगर के अंदर जितना भी पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। चाहे वो रेक्टेंगल की बात की जाए, चाहे स्क्वायर की बात की जाए, या किसी भी फिगर की बात की जाए। ओके, किसी भी तरह का क्लोज फिगर, उसमें हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, तो यहां पे ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो लेंथ मल्टीप्लिकेशन ब्रेथ ही क्या कहलाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें, तो देखिए इसकी साइड, सभी साइड्स एक जैसी होती हैं, तो हम कह सकते हैं साइड इंटू साइड इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। ओके, तो ये हमने चार फार्मूले देखे, इन चारों फार्मूलों का यूज हम एक्सरसाइज 14.1 को सॉल्व करने में करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2, लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, यानी साइड स्क्वायर। ओके, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो फिगर है, रेक्टेंगल है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है, आपको पेरीमीटर फाइंड करना है एंड एरिया फाइंड करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए लेंथ आपको देखे रखी है 12 और ब्रेथ देखे रखा है 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला हमें पता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 ब्रैकेट में एल यानी कि 12 प्लस 8। ओके, ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 20, क्योंकि 12 प्लस 8 होता है 20, और ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। आपको वन बाय वन एक लाइन में लिखना है, हमने एक ही लाइन में सॉल्व कर लिया है, ठीक है। ये इसके बाद ये वाली लाइन न्यू लाइन में लेनी है, इसको न्यू लाइन में। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इसका फार्मूला होता है। लेंथ देके रखी है 12 और ब्रेथ देके रखा 8। इस दोनों का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारा आंसर आता है 96 सेंटीमीटर। देखिए यहां पेरीमीटर निकालने में आप सेंटीमीटर का यूज करिए, पर एरिया निकालते टाइम सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिए, क्योंकि यहां पर भी सेंटीमीटर है, यहां पर भी ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर 1 है, 1 है, ये हो जाएगा पावर 2। ओके, प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स प्लस हो जाती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ए। फर्स्ट का बी पार्ट देखिए, लेंथ 20 और ब्रेथ आपको 15 मीटर दिया है। इसमें लेंथ और ब्रेथ में ये वैल्यू पुट करनी है आपको, 2 ब्रैकेट में एल की वैल्यू 20 प्लस बी यानी कि ब्रेथ कितना दिया है 15, इन दोनों का प्लस कर लीजिए आप, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लीकेशन 35। 35 का मल्टीप्लीकेशन 2 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 70 मीटर, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, तो लेंथ कितना दिया है 20 और ब्रेथ 15, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 300 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, तो फर्स्ट वाला हम पहले करते हैं फिर सेकेंड करेंगे। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर का हमने फार्मूला पहले भी देखा हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड इनटू साइड यानी कि साइड स्क्वायर। ओके, तो यहां पर हम लिख लेते हैं साइड स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8,
ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अब देखिए इसी का हम बी पार्ट देखते हैं. हमें स्क्वायर का डायगोनल दिया. डायगोनल होता क्या है, देखिए पहले तो हम स्क्वायर बनाते हैं. इस स्क्वायर में ये जो साइड होती है ये डायगोनल कहलाती है. ठीक है, किसी भी एक साइड ले लीजिए आप. हमने ये वाली साइड लिया ए बी सी एंड डी. ये जो साइड है इसकी लेंथ कितनी दे के रखी है, 5.2 सेंटीमीटर. और हमें निकालना है क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए कोई एक साइड का होना हमारे लिए जरूरी है. ये भी साइड हमें पता चल जाए तो हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं इसका एरिया. तो फर्स्ट हमें देखिए एक ट्रायंगल नजर आ रहा है. यहां से देखिए ये पूरा एक ट्रायंगल है. और ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है. क्योंकि हमें ये भी पता है कि जो स्क्वायर होता है उसके सभी एंगल्स कितने 90 डिग्री के होते हैं. तो ये 90 डिग्री का है. इसके अपोजिट जो साइड होती है हाइपोटेनियस कहलाती है. और हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू उसकी दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है. ये हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम में. ओके, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहां पे अप्लाई करेंगे. देखिए हम बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं. बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर. देखिए डीबी का स्क्वायर, डीसी का स्क्वायर और सीबी का स्क्वायर. ओके, यहां वैल्यू पुट करेंगे. अब देखिए हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी साइड होती है, ये भी साइड और ये भी साइड. क्योंकि हमें ये भी पता है कि स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होती हैं. ठीक है, तो यहां पर हम पुट कर लेंगे एस का स्क्वायर, यहां पर पुट कर लेंगे एस का स्क्वायर. और बीडी हमको देके रखा है 5.2 का स्क्वायर. अब आगे हम देखते हैं 5.2 का स्क्वायर होता है आपका 27.04. ओके, इज इक्वल टू यहां पे साइड स्क्वायर था तो ये हो गया 2 साइड स्क्वायर. अब ये जो 2 है मल्टीप्लिकेशन में है, ये इसके अपॉन में आ जाएगा. अपॉन में 2 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. अब देखिए हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में आपकी वैल्यू आ जाएगी 13.52. देखिए पॉइंट को हम अपॉन में भी लेके ले सकते थे पॉइंट हटा के, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं. 13.52 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. अब साइड को एस को हम इधर ले लेते हैं और इस पे अंडर रूट कर देते 13.52. तो ये आ जाएगा आपका. देखिए एक चीज और यहां पर है कि हमें साइड स्क्वायर ही फाइंड करना था क्योंकि हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ स्क्वायर. और एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमने देखा था कितना होता है, एस स्क्वायर. तो एस स्क्वायर तो हमारा यहीं पर फाइंड हो चुका है तो हमें ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है. यानी हमें साइड निकालने की जरूरत नहीं, साइड स्क्वायर की वैल्यू ही इसका आंसर हो जाएगा. और देखिए जिसको हमें 2.5 × 2.5 दो बार मल्टीप्लिकेशन क्योंकि उस पर स्क्वायर लगा हुआ था तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम. इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा. ठीक है, पॉइंट यहां पर. और 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा. तो यही हमारा आंसर है. ओके, आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. ठीक है.